फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल समा द किचन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आंवला का मुरब्बा, जिसे आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं और इसके कभी भी मजे ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमने बिल्कुल फ्रेश आंवले ले लिए और इसे धो लिया है। ध्यान रखें कि जो आंवला आप लें वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। अब हम अपने आंवलों को कद्दूकस कर लेंगे। हमारा आंवला कद्दूकस हो गया है। अब हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम कद्दूकस किए हुए अपने आंवलों को एक कढ़ाई में डालेंगे और साथ ही हम इसमें चीनी डालकर इसको कुक कर लेंगे। हम जितना आंवला लिए उतना ही हमें इसमें मीठा डालना होता है। मैंने 750 ग्राम आंवला लिया था, जिसमें मैं 500 ग्राम चीनी डालूंगी और 200 ग्राम बाद में गुड़ डालूंगी। अब हम अपने आंवले और चीनी को ढककर मीडियम आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि आंवले और चीनी दोनों से पानी छूट गया है। हम इसे पूरी अच्छी तरह से सुखा लेंगे, मतलब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख ना जाए। आप देख सकते हो कि इसमें अभी भी पानी है, तो हम इसको अभी पूरी तरह से सुखा लेंगे। अब जो हमारा पानी है बिल्कुल ना के बराबर रह गया है, तो अब हम अपना इसमें गुड़ डाल देते हैं। हमने 500 ग्राम पहले चीनी डाल दिया था, इसलिए अब हम 250 ग्राम गुड़ डालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 750 ग्राम आंवला दिया था। अब हम इसे भी ढककर पका लेंगे ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। देख सकते हो कि हमारा जो गुड़ है पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और ये अब देखने में कितना सुंदर दिख रहा है और इसका पानी भी सूख गया है, मतलब कि ये हमारा जो आंवला का मुरब्बा है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच काला नमक आधी छोटी चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आंवला का मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। हमने मुरब्बा बनाने के लिए आंवले को कद्दूकस इसलिए कर लिया था क्योंकि जो गोल वाला मुरब्बा होता है उसके अंदर कसाव रह जाता है, मगर कद्दूकस करने से जो भी उस अंदर का कसाव होता है वो निकल जाता है और जो भी मीठे हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाती है और इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा आंवला का मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी मज़े ले सकते हैं। और इसे बनाना कितना आसान है वो तो आपने देख ही लिया। वो इस ठंडी आप भी अपने घर पे इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।